नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां जेल के कैदियों ने कोरोना को मात देने की तैयारी कर ली है। मास्क की कमी को पूरा करने के लिए वाराणसी सेंट्रल जेल में कैदियों ने बनाना शुरू किया मास्क। देश में मास्क की कमी को पूरा करने के लिए वाराणसी की सेंट्रल जेल में मास्क बनाने में जुट गए हैं कैदी। जेल की दीवार के अंदर से कोरोना को मात देने की कवायद शुरू हो गई है। कोरोना से डरने की नहीं, लड़ने के लिए पूरा देश एकजुट है, वहीं जागरूकता लाई जा रही है। इसका असर भी दिख रहा है, लोग अपने अपने तरीके से इसे रोकने की कोशिश में लगे हैं। ऐसे में भला जेल के कैदी कैसे पीछे रह जाते। वाराणसी के सेंट्रल जेल के कैदी भी इस महामारी से लोगों को बचाने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, लिहाजा अब वे इस महामारी की वजह से आई मास्क की कमी को पूरा करने के लिए जेल में मास्क बनाने की तैयारी में जुट गए। इनके ये मास्क कारगर भी और सस्ते भी हैं। जेल के कैदी दीवार के अंदर कैद होने के बाद भी बाहर आई मुसीबत से वाकिफ हैं, तभी जेल के अंदर सिलाई केंद्र में मास्क बनाने का काम तेजी से चल रहा है। आप देख रहे हैं वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे की रिपोर्ट। मास्क बना रहे हैं रोज। देखिए, अभी हमारे यहाँ 15 से 16 बंदी इसमें इन्वॉल्व है मास्क बनाने में, और तकरीबन 500 के आसपास मास्क बन चुके हैं, और हमारे यहाँ लगभग 1700 बंदी, इसलिए हमें और आवश्यकता भी पड़ेगी, और इसे लगे हुए हैं ये लोग, और एक दिन में तकरीबन 150 से 200 के आसपास मास्क बनाए जा रहे हैं। अब चूंकि कोरोना वायरस का इस तरीके से प्रकोप फैला हुआ है, तो ये हाई अलर्ट जैसी स्थिति है, और हम यहाँ से वितरण कराने के बाद 1700 बंदियों हम डिस्ट्रिक्ट जेल पर भी भेजेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।